इस वीडियो में आप प्राचीन मिस्र के बारे में 15 ऐसी बातें जानोगे जो आपको सच में हैरान कर देगी। नंबर 1, आपने कई सारे फोटो में ये देखा होगा कि इजिप्ट के पिरामिड के सामने जो स्फिंक्स मौजूद है उसकी नाक टूटी हुई है। कुछ प्राचीन हिस्टोरियंस का मानना है कि नेपोलियन के सोल्जर ने युद्ध के दौरान स्फिंक्स के नाक को तोड़ा था, लेकिन नेपोलियन के इजिप्ट पहुंचने से 10 पहले ही पिरामिड के स्केच बन चुके थे और उनमें स्फिंक्स के नाक को टूटा ही दिखाया गया है। सच तो यह है कि इसका कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि आखिर स्फिंक्स के नाक को किसने तोड़ा था। नंबर 2, दुनिया में सबसे पहले मौत की सजा इजिप्ट में दी गई थी। आज से करीब 3500 साल पहले एक युवा लड़के को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए मौत की सजा का फरमान दिया गया था। उसको जहर पीकर या चाकू से आत्महत्या करने को कहा गया था। नंबर 3, प्राचीन इजिप्ट के राजाओं के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मरते थे तो उनके सर्वेंट्स को भी उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के सेक्रीफाइस प्राचीन मिस्र के इतिहास में कई बार किया गया था। नंबर 4, प्राचीन इजिप्शियन लोगों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मम्मीफिकेशन के प्रोसेस में उनके शरीर पर जो बैंडेज लपेटी जाती थी वो इतनी लंबी होती थी कि अगर उसे खोला जाए तो वो 1.6 किलोमीटर तक फैल सकती थी। नंबर 5, जब मरने वाले शरीर को मम्मीफाइड किया जाता था तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लीवर, लंग्स और किडनी को निकाल लिया जाता था सिवाय हार्ट के। एंशियंट इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि हार्ट में इंसान की आत्मा निवास करती है। नंबर 6, मम्मीफिकेशन को प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि साउथ अमेरिका के लोग ये काम इजिप्ट के लोगों से भी सदियों पहले करते आ रहे थे। इस बात का प्रमाण तब मिला जब 1936 में साउथ अमेरिका से दुनिया के सबसे पुरानी मम्मी फाइट की हुई इंसानी लाश मिली। ये मम्मी करीब 6000 साल पुराना था। नंबर 7, पेट के लेफ्ट साइड में एक कट लगाकर इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लंबे हुक के इस्तेमाल से नाक के द्वारा दिमाग को बाहर निकाला जाता था। इन सब इंटरनल ऑर्गन्स को इसलिए बाहर निकाला जाता था क्योंकि यही वो शरीर के हिस्से हैं जो सबसे पहले डिकम्पोज होते हैं, सो बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता था। नंबर 8, दुनिया के सबसे पुराने ड्रेस इजिप्ट से मिली है। ये 5500 साल पुरानी है और इसे टारखन ड्रेस कहा जाता है। नंबर 9, प्राचीन इजिप्ट में हायरोग्लिफ लिपि थी। इस लिपि में वोवल्स नहीं थे, इसलिए आज हम नहीं जानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियन लोग शब्दों को कैसे बोलते थे। नंबर 10, बिल्ली को इजिप्शियन लोगों की नज़रों में एक अलग मुकाम हासिल था। अगर कोई पालतू बिल्ली मर जाती तो लोग उनके शोक में अपने आईब्रोज शेव करा लेते थे। आम इंसानों की तरह बिल्लियों को भी मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, और बिल्ली को मारने पर व्यक्ति को मौत की सजा भी दिया जा सकता था। नंबर 11, प्राचीन इजिप्शियन लोगों के लिए बियर बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वे लोग इसे न्यूट्रिशन का प्राइमरी सोर्स मानते थे और हर रोज इसे पीते थे, यहाँ तक कि वे बियर को एक करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे। नंबर 12, प्राचीन इजिप्शियन के लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर भी विश्वास रखते थे, इसलिए वो शराब बनाने वाले की प्रतिमा बनाकर उसे मरने वाले के कब्र में रख देते थे, ताकि मरने वाला जब अपनी अगली जिंदगी में पहुंचे तो उसके पास बहुत सारे बियर हो। नंबर 13, प्राचीन इजिप्ट को कई सारे नामों से जाना जाता था, जिसे कीमेट और रेड लैंड, और बाद में इजिप्ट को इस नामों से जाना जाने लगा था। जब ग्रीक लोग इजिप्ट में आए और उन्होंने वहां शासन किया तो वो ये नाम लेने में असमर्थ थे, उन्होंने इसे बदलकर इजिप्टोस कर दिया और इसी से इजिप्ट नाम बना है। नंबर 14, प्राचीन इजिप्ट में मक्खियों को राजाओं से दूर रखने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया जाता था। उस वक्त ऐसा होता था कि नौकरों को शहद से लिप्त कर दिया जाता था, ताकि राजा जहां भी जाए नौकर उसके साथ रहे और मक्खियां राजा से दूर रहे और नौकरों की तरफ अट्रैक्ट होती रहे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें।